हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शन के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। ये हमारी सीरीज़ चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की। तो यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी सेल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल जंक्शंस के बारे में। तो सेल जंक्शंस क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये सब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेल जंक्शन के बारे में, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि सेल जंक्शन क्या होते हैं। तो मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है। जब ये दोनों सेल यानी फर्स्ट वाली सेल और सेकंड वाली सेल एक दूसरे से इंट्रैक्शन करती हैं तब ये क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू जो फॉर्म्ड होते हैं वो सेल सेल इंट्रैक्शन से फॉर्म्ड होते हैं, और ये सेल सेल इंट्रैक्शन कुछ मॉलिक्यूल के थ्रू जंक्शन के द्वारा क्या होते हैं, इंट्रैक्ट होते हैं। ये सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं मतलब। तो इन सेल्स में जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है उसे हम जंक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट शन कर रही हैं उनको हम बोलते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर किया है अच्छे से। तो आप समझ गए होंगे कि जब दो सेल इंट्रैक्शन करती हैं किसके थ्रू इंट्रैक्शन होता है, सेल जंक्शन के थ्रू, और सेल जंक्शन किस द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। और जब दो सेल्स एक दूसरे से इंट्रैक्शन करती हैं तब क्या बनाती हैं, टिश्यू फॉर्म्ड करती हैं। तो यही पॉइंट इस पर लिखे हुए हैं, अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल जंक्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं। यानी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पर ही तो सेल जंक्शन पाया जा रहा है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की। तो यही है, सेल जंक्शन जो है वो डिफरेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेल जंक्शन जो है वो एनिमल सेल में एडजेसेंट सेल्स के बीच लिंकिंग एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ये भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं और टिश्यू बनाते हैं और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। और कुछ जंक्शन जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र में भी हेल्प करते हैं। ये कम्युनिकेशन और लिंकिंग के अलावा भी क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। और एनिमल टिश्यू में सेल जंक्शन जो है वो एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच कनेक्शन फॉर्म्ड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेल जंक्शन के। अब हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शंस के जो मेजर टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। जो हमारा एंकरिंग जंक्शन होता है उसको डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं, और कम्युनिकेटिंग जंक्शन को हम गैप जंक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम टाइट जंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। टाइट जंक्शन जो है वो एपिथेलियल सेल्स के बीच फॉर्म्ड होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि टाइट जंक्शन जो है वो किन सेल्स के बीच बनता है, तो ये एपिथेलियल सेल्स के बीच बनता है। और टाइट जंक्शन जो होते हैं वो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये सेल्स के बीच क्या करते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। और ये सेल्स वाटर और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को भी प्रिवेंट करते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, वाटर सॉल्युबल हों या नॉन वाटर सॉल्युबल हों, उसमें क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल्स में ये मूवमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले ये नीचे सेल्स दे रखी हैं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल्स है। इनके बीच टाइट जंक्शन को शो किया गया है इधर, ये हमारा टाइट जंक्शन है और ये ल्यूमेन है। ये सेल्स का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख ले और इसे बना ले। अब हम बात करते हैं एंकरिंग जंक्शन के बारे में। तो एंकरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम जंक्शन भी कहते हैं, एक पॉइंट इसका ये लिख देंगे। और ये जो जंक्शन है वो एक सेल को दूसरी सेल में एंकर्ड करने का वर्क करते हैं, और कंपोनेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी अटैच करते हैं। ये सेल्स को एक साथ रखते हैं तथा टिश्यू को स्ट्रक्चरल कोहेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है, इधर इसका डायग्राम दिया हुआ है,
ये हमारा एंकरिंग जंक्शन का डायग्राम है जिसे डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और इधर जो है वो इंटर सेलुलर स्पेस है और ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट है। ये एक सेल का है और ये दूसरी सेल का है और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कनेक्शन जो दिख रहा है इसको ही हम एंकरिंग जंक्शन बोलते हैं। तो आप इसे अच्छे से बना लें अपनी कॉपी में। अब हम देखते हैं गैप जंक्शन के बारे में, इसे कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जंक्शन जो है वो एडजेसेंस सेल्स के बीच इंटर सेलुलर चैनल्स फॉर्म्ड करते हैं। और एक वर्ड होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। तो इंटर जो होते हैं वो एक ही सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंटर सेलुलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स यानी जो अलग अलग सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जंक्शन जो है एडजेसेंट सेल्स के बीच इंटर सेलुलर चैनल फॉर्म्स करते हैं और ये सेल्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं। गैप जंक्शन के द्वारा सेल्स के बीच कौन कौन से स्मॉल आयंस मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्सन का मूवमेंट होता है। और ये जंक्शन नर्व सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स ETC में पाए जाते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है, कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं, नर्व सेल्स और हेपेटोसाइट सेल्स में गैप जंक्शन पाया जाता है और इसे कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। तो ये इसका डायग्राम है, अब ये इसका डायग्राम है किसका, गैप जंक्शन का। तो आप अच्छे से देख लें, इसे कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग जंक्शन और ये सेल वन है, ये सेल टू है। इधर जो कनेक्शन हो रहा है इसे ही हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन या गैप जंक्शन कहते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से बना ले, इसका डायग्राम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको किसी टॉपिक में सजेशन चाहिए या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में जाकर नोट्स लिख दें, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। Thanks for watching.